बिहार से मुंबई में आई पुलिस को एक ऐसी चीज है जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा शक है और वो इस बात को लेकर और जांच करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही जो है विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया और उनको अपनी जांच रोकनी पड़ी। किस बात का वो शक है, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडो आपको बताऊंगी। दरअसल जो चार लोगों की टीम यहाँ आई थी, पांच लोगों की, हालांकि पांच लोगों की टीम ऑफिशियली आई थी लेकिन टोटल आठ अफसर आए थे, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनको इस बात का शक है कि किसी सोची समझी साजिश के तहत जो है वो सुशांत को जो है रिया और शौविक यूरोप ट्रिप पर लेकर गए थे, क्योंकि वहीं से आने के बाद जो है सुशांत की तबीयत बिगड़ने लग गई। यूरोप ट्रिप में ऐसा उनके साथ क्या हुआ था, इस बात को जो है जांचना चाहती थी मुंबई पुलिस। सुशांत के जितने भी क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स या फिर अगर मैं कहूँ तो बैंक से डिटेल मिली थी, उससे वो ये जानना चाहती थी कि उस दौरान जो है उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया, कहाँ कहाँ जो है पेमेंट हुई है। जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से हुई थी, तो इन सारी चीज़ों को वो ट्रैक करना चाहती थी कि ऐसी कौन सी जगह पर रिया उन्हें ले गई थी कि उसके बाद सुशांत की तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई। सभी ने इस बात का जिक्र किया कि सुशांत की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन बिहार पुलिस ने जब उनके साथ रहने वाले जितनी भी डोमेस्टिक हेल्प थी उनसे जब पूछताछ की तो एक और चीज़ सामने आई कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद जहां सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत बहुत ख़राब रहने लग गई, एकदम बदल गए थे सुशांत, वहीं रिया भी बहुत बदल गई थी। उन्होंने घर में तानाशाही शुरू कर दी थी, डोमेस्टिक हेल्प के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड उन्होंने अपने ताबे में ले लिए थे। तो जहां सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत बिगड़ने लग गई थी वहीं रिया चक्रवर्ती जो है वो हावी होने लग गई थी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बिहार पुलिस के सामने उन सभी के बयानों को दर्ज करने के बाद आई है जो उन्होंने यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प के बयान दर्ज किए थे। बाद में रिया ने जो स्टोरी बनाई वो ये थी कि वहाँ पर जब एक वो लोग जो है इटली में एक 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में रहने गए, वहाँ एक तस्वीर के सामने जो है सुशांत रुद्राक्ष की माला लेकर जाप करने लगे थे और उसके बाद जो है उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो है रिया ने अपने बयान में बोली, लेकिन उस ट्रिप को क्या जानबूझकर प्लान किया गया था, क्या जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को वहाँ ले जाया गया था और उनके साथ कुछ ऐसा किया गया जिसके बाद वो ठीक नहीं हो पाए, इन सारी चीज़ों की ओर जो है बिहार पुलिस जांच कर ही रही थी कि उससे पहले जो है उनकी जांच रुक गई। लेकिन जो सीबीआई को 40 पन्नों की डायरी सौंपी गई है उसमें ये बात लिखी गई है कि जो यूरोप ट्रिप है उसमें क्या क्या हुआ उसको जो है पूरी तफ्तीश उस बात की जाए, क्योंकि सारी कड़ियां जो है वहां से भी मिल सकती है।